नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम में शामिल किए गए केएल राहुल शुरुआती दो मुकाबले नहीं खेल पाएंगे। भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने राहुल को लेकर अपडेट दिया है। वह पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। बीसीसीआई ने केएल राहुल के अपडेट देते हुए ट्विटर पर मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का बयान ट्वीट करते हुए लिखा कि केएल राहुल अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन वह नेपाल और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले शुरुआती दो मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। वहीं मुख्य कोच द्रविड़ ने श्रीलंका के लिए टीम रवाना होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केएल राहुल ने अच्छे बल्लेबाजी की है, वह विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए उन्हें शुरुआती दो मैचों के लिए आराम दिया जाएगा, इसके बाद वह वापस आ सकते हैं। उम्मीद है कि दो मैचों के बाद वह पूरी तरह वापसी कर लेंगे, इस बारे में हम ज्यादा चिंतित नहीं हैं। एशिया कप के लिए स्क्वाड की घोषणा करते समय भी मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने केएल राहुल को लेकर यह स्पष्ट किया था कि वह फिट हैं, लेकिन अभी कुछ समस्या है जिसके चलते वह शुरुआती मुकाबले से बाहर रह सकते हैं। वहीं श्रेयस अय्यर भी एनसीए में रिहैबिलिटेशन पूरा करने के बाद स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। द्रविड़ ने कहा कि चौथे और पांचवें नंबर को लेकर चर्चा हुई है। पिछले 18 महीने से मध्य क्रम के तीन खिलाड़ी थे, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और ऋषभ पंत। यह दुर्भाग्य की बात है कि दो महीने में ही तीनों खिलाड़ी चोटिल हो गए, इसलिए हमें लगातार प्रयोग करने पड़े। ऐसे में हमने अलग अलग खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया। हमें वर्ल्ड कप के लिए तैयार रहना था। हम नहीं जानते थे कि वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है, इसलिए हमने दो तीन खिलाड़ियों को मध्य क्रम पर लगातार मौके दिए। एशिया कप में टीम इंडिया का पहला मैच 2 सितंबर को श्रीलंका के कैंडी में पाकिस्तान के खिलाफ होना है। वहीं दूसरा मैच भारत और नेपाल 4 सितंबर को खेला जाएगा। तो क्या लगता है आपको, केएल राहुल की जगह कौन सा खिलाड़ी खेल सकता है? अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और भी स्पोर्ट्स अपडेट के लिए देखते रहिए फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स।